अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैक अगेन GTA 5। और दोस्तों फाइनली हमारी शिपमेंट आ चुकी है। तो भाई मैंने पाकिस्तान से कुछ गाड़ियाँ शिपमेंट के लिए ऑर्डर पर दी थी, और भाई गाड़ियों का सीन ये था कि शिपमेंट हमारी रुक गई थी, ना शिपमेंट आगे आ रही थी ना पीछे जा रही थी। तो भाई मैं काफ़ी टेंशन में था कि यार मैं क्या करूँ, लेकिन भाई आज ही मुझे उनकी कॉल आई कि भाई आपकी जो शिपमेंट है वो आ चुकी है लॉस सैंटोस में, तो आके ले जाएँ। तो भाई हमें जैसे ये न्यूज़ मिली भाई मैं वैसे ही उठाऊँ, अभी तक नहाया भी नहीं हूँ भाई, जल्दी से जाते हैं और शिपमेंट को लेके आते हैं, क्योंकि भाई हमारा गैराज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और कस्टमर की भाई मैं कहता हूँ कि बहुत ही कंप्लेंट्स आई पड़ी हैं कि भाई आपकी अभी तक शिपमेंट क्यों नहीं आई, आपकी गाड़ियाँ आपने ऑर्डर हमने करवाई थी अभी तक वो क्यों नहीं आई। तो भाई इसीलिए भाई मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, काफ़ी दिनों से मैं परेशान था, लेकिन भाई फाइनली जो हमारी शिपमेंट है वो आ चुकी है और उसी को आज हम देखने जा रहे हैं। तकरीबन भाई मैंने 9 गाड़ियाँ पाकिस्तान से इम्पोर्ट करवाई हैं, उसमें 6 गाड़ी जो है वो क्रोला 2017 मॉडल है और 3 गाड़ियाँ वो आपको वहाँ पर जाकर पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, मेरा 5000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे हमने कंप्लीट करना है भाई इस मंथ, तो जल्दी से जाओ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और 5000 का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगा लेते हैं नेविगेशन, जहाँ पर हमने जाना है, हमारी शिपमेंट आई है। ओके दोस्तों, तो नेविगेशन लगा दिया है, तो यहाँ पर हमारी शिपमेंट आ चुकी है। अभी अभी मुझे कॉल आई है भाई, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि यार अभी तक शिपमेंट नहीं आ रही, और ऊपर से भाई लोगों की इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी कि भाई अभी तक आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो क्यों नहीं आई। तो भाई काफ़ी लोगों ने गाड़ियाँ दी हुई थी ऑर्डर के लिए, तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन था कि यार ऊपर से कॉल भी आ रही है और ऊपर से शिपमेंट भी हमारी रुक चुकी है, तो मैं काफ़ी दिनों से परेशान था। लेकिन फाइनली वो भाई परेशानी ख़त्म हो चुकी है, उनकी कॉल आई कि भाई आपकी शिपमेंट है वो रिलीज़ हो गई है और लॉस सैंटोस में आ चुकी है, भाई आके अपनी शिपमेंट को ले लें। तो भाई जाकर चेक करते हैं, और जो मेन चीज़ जो मैंने भाई चेक करनी है, जो मैं अब डर रहा हूँ कि भाई शिपमेंट में अभी काफ़ी गाड़ी जो होती हैं स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं शिपमेंट में, आपको पता ही है, तो भाई वो मुझे अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि ये ना हो कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच हो गाड़ियों के, भाई काफ़ी ज़्यादा पैसा उनके ऊपर रिपेयरिंग पर ना लग जाए। भाई मैं अब यही सोच रहा हूँ कि भाई इस पर ऐसा काम लगे, लेकिन अब क्या कर सकती है, अब जाकर देखना पड़ेगा कि कैसी शिपमेंट आई है। अब बाज़ूकात काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की कंडीशन जो होती है वो ख़राब भी हो जाती है शिपमेंट में। दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं कि यार शिपमेंट आ चुकी है, हम शिपमेंट को वापस नहीं भेज सकते, तो जैसी भी शिपमेंट है अब हमें वो रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं, ट्रेन को भी अभी आना था इधर, क्योंकि भाई हमारा जो वर्कशॉप है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, काम बिल्कुल बंद पड़ा है। तो मैं इसीलिए काफ़ी दिनों से टेंशन में था कि यार मैं क्या करूं, और भाई मैं सही में बताऊं तो भाई मैं काम वैसे छोड़ने वाला था, मैंने सोचा कि यार अभी तक गाड़ियाँ भी नहीं आ रही तो काम को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि भाई गाड़ियाँ भी नहीं आ रही थी, तो इसीलिए मेरा ना काम छोड़ने का मन कर रहा था कि, और शिपमेंट भी कैंसिल करवाने का माइंड था। लेकिन भाई जैसे ही मुझे आज कॉल आई कि भाई आपकी जो शिपमेंट है वो आ चुकी है, आके उसे ले लें, तो भाई मेरी खुशी की इंतहा नहीं, मैं ऐसे ही उठाऊँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसे ही उठाऊँ और भाई सीधा ही मैं जा रहा हूँ भाई शिपमेंट देखने के लिए। तो फाइनली लगभग हम पहुँच चुके हैं, और दोस्तों अगर ये शिपमेंट अच्छी रही, कंडीशन इस शिपमेंट की अच्छी रही, तो भाई हम और भी गाड़ियाँ मंगवाएंगे पाकिस्तान से, जो मैंने मंगवानी है पाकिस्तान से, क्योंकि भाई यहाँ पर लॉस सैंटोस में ना इन गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ओके जो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, तो ओके जी जनाब, तो ये रही जी हमारी गाड़ियों की शिपमेंट। तो यार आप लोग देख सकते हैं गाड़ियाँ कितनी शानदार हैं। यहाँ पर आपने अगर थोड़ी बहुत नोटिस नहीं किया, यहाँ पर मैंने 3 गाड़ियाँ मंगवाई हैं वाइट कलर की, और 2 गाड़ियाँ मंगवाई हैं मैंने मल्टीकल कलर की, मींस के ब्लैक कलर की एक मंगवाई है और एक सिल्वर ग्रे कलर की मंगवाई है, क्योंकि यार ये कस्टमर का एक ऑर्डर था, उसने कहा था भाई एक ब्लैक में मंगवाओ, प्योर ब्लैक यानी कि पेंट ना हुआ हो, और एक सिल्वर में मंगवा लें आप, डार्क सिल्वर में। और ये वाली जो गाड़ी है ये एक मैंने वाइट में मंगवाई है, प्योर वाइट है। और एक और मैं आप लोगों को चीज़ दिखा दूँ, इनके आप लोग अलॉय रिम देख सकते हैं, इनके स्टॉक अलॉय रिम है यानी कि जेन्युइन अलॉय रिम है, और जो इन गाड़ियों का अलॉय रिम है वो चेंज है, वो मैंने खुद चेंज करवाए हैं, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मैंने लगाया इसके ऊपर। और जो मैंने आपको 3 गाड़ियाँ दिखानी थी वो थी वैगनार सुजुकी की, वो भी हमने इम्पोर्ट करवाई है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तो भाई ये रही जी हमारी सुजुकी वैगनार, क्या शानदार गाड़ी है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर हम देख लें भाई कोई डेंट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि यार शिपमेंट में ये काफ़ी इशू आ जाता है डेंट वगैरह का। एक दफ़ा इसके बैक ओपन करके देख लेते हैं, मैं कहता हूँ कि ये शानदार गाड़ी है यार, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये 2 गाड़ियाँ हैं, पंजाब की नंबर प्लेट लगी हुई है और इस गाड़ी को इस्लामाबाद की नंबर प्लेट लगी हुई है, तो कोई नहीं यार ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कुछ स्क्रैच वगैरह होगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलो जी चाचा जी से बात करते हैं जी, तो यही भाई हमारी शिपमेंट जो इन्होंने लेट की है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? ठीक ठाक पोते, तो सुना चाचा जी सारी गाड़ियाँ क्लियर हैं अब मेरी? हाँ पोते सारी गाड़ियाँ क्लियर तेरी है, यहाँ चेक कर ला गाड़ियाँ, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है।
अच्छा चाचा जी, वो तो मैंने चेक कर लिया, स्क्रैच वगैरह कोई नहीं है, तो पैसे वगैरह मैंने दे दिए, तो अब कोई यानी कि कोई पेपर वर्क तो नहीं है? हाँ पुत, पेपर वर्क हैगा, बस इतने दस्तखत कर दे तू, बस तेरा काम ही नहीं हैगा वा। चलो ठीक है चाचा जी, कहाँ पर करना है? ए पुत इतने कर दे, ए जगह दे। चलो ठीक है चाचा जी, ऐठे, हाँ ऐठे ऐठे ही कर दे, ऐठे सही हो गया। चलो चाचा जी ये हो गए दस्तखत। हाँ पुत, हूँ तू गड़ियाँ लेके जा सकता वा। चलो ठीक है चाचा जी, चलो जी लोड करते हैं गाड़ियों को। यार भाई काफ़ी मंथ मैंने इन गाड़ियों का वेट किया है, तो एक मिनट, सुजुकी वैगनार को सबसे पहले लगाते हैं हम, उसके बाद हम टोयोटा क्रोला को लगाएंगे, एक एक करके हम गाड़ियाँ लगाएंगे। तो नीचे मैं लगाऊंगा वैगनार को और ऊपर हम लगाएंगे अपनी लेटेस्ट गाड़ी यानी कि टोयोटा क्रोला को। अब ये इसकी जो इम्पोर्ट होगी वो 2020 की होगी, लेकिन ये जो मॉडल है वो 2017 का मॉडल है। तो चलें पैनल को नीचे करते हैं। ओके जी, बैनर नीचे हो चुका है, तो लगाते हैं जी अपनी सुजुकी वैगनार को। तो यार इस गाड़ी की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो इसीलिए हमने इसे इंपोर्ट करवाया है। भाई आराम से मुझे लगाना पड़ेगा, ये ना स्क्रैच वगैरह ना आ जाएं। ओके दोस्तों, तो गाड़ियाँ हमारी फुल लोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा धचका लगा है, वो ये कि भाई हमारी सिर्फ 4 गाड़ियाँ थी क्रोला और 2 गाड़ियाँ थी भाई सुजुकी वैगनार। और भाई साहब मैं ये वाली गाड़ियाँ भी लोड कर रहा था अपने ट्रक पर, तो लेकिन भाई बाद में चाचा जी ने कहा कि यार ये आपकी गाड़ियाँ नहीं है, ये किसी और की बंदे की गाड़ियाँ हैं। तो भाई क्या कहने चाचा जी आपके, चलो कोई नहीं यार, चाचा जी टाइम से आपने बता दिया, तो भाई चलते हैं इसको, अब लोड तो हो चुकी हैं, मैं ये बंद कर लूँ पीछे से यार। ओके दोस्तों, इसे मैं बंद करना भूल गया था, बाद में पता चलना था भाई गाड़ियाँ भाई पीछे ही जा रही हैं, गिरी जा रही हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं भाई इसका बंद होने का, भाई जल्दी बंद हो जाए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्लाइंट्स के फ़ोन आ रहे हैं भाई जल्दी गाड़ियाँ लाओ। चाचा जी की बदौलत भाई हमें पता चल गया हमारी कितनी गाड़ियाँ हैं, वरना तो भाई हमने सारी गाड़ियाँ लेकर निकल जाना था, और भाई बाद में पता चलना था कि ये गाड़ी हमारी है ही नहीं। तो ठीक है भाई, हम वेट करते हैं, यहाँ पर ट्रेलर बंद हो रहा है, और बाद में सीन यही होना था कि भाई जैसे चाचा जी के साथ सीन हुए, हमारे साथ भी यही सीन होना था, हमारी सारी गाड़ी भाई चली जानी थी, जब हमने पहुँचना था तो क्लाइंट ने जब देखना था ना इसके पास कोई भी गाड़ी नहीं है, तो भाई उन्होंने हमारा कीमा बना लेना था। ओके यार, तो अब लेके निकलते हैं इसको। और भाई सही में बताओ ना कि यार ये जो ट्रक चलाना होता है भाई बहुत मुश्किल होता है यार, इसे पता नहीं लोग कैसे कंट्रोल कर लेते हैं यार, उनको सलाम है यार जो ये ट्रक कंट्रोल कर लेते इतना बड़ा। चल भाई हमें ऐसे ऐसे अब लेके जाना होगा, ये ना ट्रेलर खुल जाए इधर ही और भाई गाड़ियाँ सारी इधर ही गिर जाएँ, आराम से भाई आराम से, बहुत महंगी गाड़ियाँ यार, हमें आराम से ही जाना होगा। ओके यार यहाँ से शॉर्ट कट लेते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। कसम से यार ये ट्रक संभला ही नहीं जा रहा, पता नहीं लोग कैसे यार संभाल लेते हैं असल ज़िंदगी में यार, मुझसे तो गेम में ही नहीं संभला जा रहा ये ट्रक तो। लेकिन यानी मैं चलें, हमने थोड़ा बहुत तो संभाल लिया है। तो शायद मैंने आप लोगों को इसकी प्राइस बता दी क्योंकि गाड़ी की कितने की हमें पड़ी है, तो भाई जो टोयोटा क्रोला है वो तकरीबन हमें शिपमेंट में पड़ चुकी है 10 लाख की, और जो वैगनार है वो शिपमेंट में पड़ चुकी है भाई हमें 4 लाख की, मींस के। और भाई कहाँ घुसाई जा रहा है, देख नहीं रहा ट्रक आगे से आ रहा है, और भाई साइड पे गाल है यार, अजीब सिस्टम है इधर, लोग घुसाई जा रहे हैं, हर बंदे को जल्दी लगी हुई है, मैं जल्दी जाऊँ, शिपमेंट नहीं देख रहा है भाई, हम इतनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं महंगी गाड़ियाँ, लेकिन अपनी भाई घुसाई जा रहे हैं। तो भाई ये जो मोड़ है ना भाई बहुत ख़तरनाक मोड़ होते हैं यार, आराम से भाई आराम से। ओ भाई आराम से, ओ भाई गया, अजीब रोड भाई सिस्टम बना हुआ है इधर रोड का भी यार, हमें आराम से शिपमेंट लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि अगर भाई एक भी गाड़ी ख़राब होगी ना भाई पैसे ठुक जाने गाड़ी के। इसमें यार ये ट्रक चलाना काफ़ी मुश्किल है यार, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो हमें यार अपनी शिपमेंट जो आराम से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर थोड़ी सी भी गाड़ी इधर उधर हो गई ना तो भाई लग जाने हमारे एल। ओ भाई आराम से काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं ये, पता नहीं लोग यार असली ज़िंदगी में ट्रक को कैसे चला लेते हैं यार, और ऊपर से ये गाड़ियों का रश यार,
और निकाल ले भाई गाड़ी, निकाल ले, इशारा खुल चुका है यार। अब सारी रात इधर गुजारने का इरादा है क्या? मैं कहता हूँ कि सबसे जो मुश्किल काम है ना भाई वो यही ट्रक चलाना है भाई। तो समझो यार ट्रक संभला ही नहीं जा रहा, और ऊपर से ये जो मोड़ आते हैं ना, कट जो आते हैं बड़े बड़े भाई, वो तो मैं कहता हूँ बहुत ही खतरनाक काम है यार। जो सही में ट्रक चला रहे हैं भाई उनको सलूट है भाई मेरी तरफ से। ओ भाई आराम से आराम से, मैं नहीं चाहता कि यार ट्रक से कोई भी गाड़ी मेरी गिरे एक भी। जल्दी जल्दी भाई गाड़ी को गुजारते भाई, अगर ट्रेन आ गई ना तो भाई उसने कचूमर बना देना सारी की सारी गाड़ियों का। और भाई उधर जो क्लाइंट बैठे हैं ना भाई, तो क्लाइंट ने मेरा कचूमर बना देना है। तो भाई जितनी जल्दी हो सके भाई मुझे ट्रक वहाँ पर पहुँचाना ही पड़ेगा। तो यार लगभग हम अपने गैराज पर पहुँच ही चुके हैं। ओ चाचा जी साइड पे हो जा, आंटी जी साइड पे हो, नीचे आ जा, आ जा भाई, आ जाओ भाई नीचे। अब आएगा इनको पता चलेगा अब कैसे ये बार बार आगे आ रहे हैं। ओके तो भाई हम अपने गैराज पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि भाई मेन जो कि अब ड्राइविंग है वो स्किल यहीं पर अब शो होगी। आराम से यार आराम से, बिल्कुल आराम से यार, प्यार से गाड़ियाँ उतारनी है। ओके यार तो हम आ चुके हैं इधर, तो अब आराम से गाड़ियों को उतारते हैं इधर ही। तो यार इधर ही मैं ट्रक को लगाता हूँ और गाड़ियाँ उतारते हैं यार अब ट्रेलर से। अब देखता हूँ यार कोई क्लाइंट वगैरह तो नहीं बैठा यार, करे यार कोई क्लाइंट भी नहीं है अभी फिलहाल। यार तो एक एक करके गाड़ी को उतारते हैं। अब जो स्क्रैच वगैरह लगने हैं भाई वो तो लगने ही लगने। और भाई आराम से मुझे उतारनी पड़ेगी गाड़ी। एक मिनट फर्स्ट पर्सन व्यू में देखते हैं भाई। उतार लिया हमने तो फाइनली से अंदर लगाते हैं गैराज में, ताकि कस्टमर को पता लग जाए कि यार गाड़ियाँ वाकई आ गई हैं। तो यहाँ पर ये लगाते हैं अपनी गाड़ी और बाकी गाड़ियों को भाई ये जल्दी जल्दी से लगाते हैं, सेट करते हैं इधर ही। ओके दोस्तों तो भाई सारी की सारी गाड़ियाँ हमारी गैराज में आ चुकी हैं। तो भाई अब एक एक करके इसे सेल करेंगे। तो भाई ये जो गाड़ी है एक ये वाली वाइट और भाई ब्लैक तो सेल हो चुकी है ऑलरेडी। भाई जो कस्टमर था उसने कह दिया था कि भाई ये वाली गाड़ी आपने मुझे देनी है ब्लैक कलर में और वाइट में। तो भाई ये सेल हो चुकी है। और भाई यहाँ पर एक जो वैगनार है ये एक दोस्त को देनी है, और जो ये वाली वैगनार है यार ये देनी है माइकल को, क्योंकि यार माइकल ने लेके देनी थी ट्रेसी को एक गाड़ी। तो भाई ये माइकल के लिए स्पेशली मंगवाई है गाड़ी, और जो बाकी गाड़ी है यार वो भी धीरे धीरे हम सेल कर ही लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज की वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।